भाई देख रहे हो मेरे से भी बड़ी बड़ी घासें हैं यहाँ पर। देखो अभी ये जो महीना चल रहा है ना असोज का है शायद, है ना, ये असोज का महीना है। तो इस टाइम क्या होता है, घास वगैरह काटते हैं तो आधे से ज्यादा मतलब घर के जो मेंबर हैं वो होते हैं खेतों में जो घास काटने के लिए जाते हैं। तभी ये जो घास इतनी बड़ी दिख रही है ना, अभी एक दो महीने बाद क्या होगा, जो घास है ना सब के सब गायब हो जाएगी, फिर रह जाएगी इतनी इतनी सी चुन्नी चुन्नी सी। ठीक है, जो मैंने आपको पिछली बार दिखाया था मई या जून में दिखाया था। ठीक है, उसके बाद फिर लोग क्या करेंगे, घास लेंगे पेड़ों में सुखाने डाल देंगे, फिर भैंस के लिए, गाय के लिए, बकरी के लिए वो यूज़ करेंगे। वैसे बकरी हरा ही हरा खाती है, सूखा भैंसों के लिए होता है, और गायों को तो छोड़ ही रखा है लोगों ने, दिख ही रहा है इतनी बारी। ठीक है, तो लग बहुत अच्छा रहा है, आप भी आओ। मेरा तो ये तीसरा या चौथा चक्कर हो गया इस साल। ठीक है, तो अभी अगले महीने भी क्या पता कैसा प्लान बने क्या बने, बाकी बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी मैं जस्ट हरडा से आया हूँ ट्रैक करते हुए, बहुत ही एडवेंचरस रहा है, इसलिए कह रहा हूँ अगर आप आना चाहते हो तो मैं वीडियो डालने वाला हूँ कि कैसे आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं मेरे गांव में बौड़तल्ला में, और कहाँ से किधर से वे है, कैसे आना है जाना है, सब चीज़ A to Z। ठीक है, बाय।